এর পাশাপাশি 370 নিয়ে ফের কংগ্রেসকে তুলোধনা মোদির। জম্মু কাশ্মীরে ফের 370 চালুর চেষ্টা, আবার এই ধারা চালু করতে চায় কংগ্রেস। কাশ্মীরে হিন্দুদের ফের ঘরছাড়া করতে চায়, হিন্দুদের ঘরছাড়া করতে চায় কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রের আকোলায় নির্বাচনী সভা থেকে হাত শিবিরকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আমরা দেখেছি জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভায় 370 ধারার সমর্থনে পোস্টার তৈরি হয় এবং সেখানে কার্যত হুলস্থুল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, মার্শাল নিয়ে আসতে হয় এবং তারপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তুলোধনা কংগ্রেসকে 370 ধারা নিয়ে। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से जम्मू कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोल रही है ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या 370 को लागू होने देंगे? ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था या नहीं किया था? पाकिस्तान 370 का रोना रोता है या नहीं रोता है? जितनी भारत विरोधी ताकत है सबके सब 370 का समर्थन करते हैं। और वही कांग्रेस की भी भाषा बन गई है, कांग्रेस वही भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। कश्मीर में 370 यानी राज्य में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना। कांग्रेस जानती है इसी 370 की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था। ये जम्मू कश्मीर के दलित और पिछड़ों का अधिकार छीनना चाहती है। প্রধানমন্ত্রী কড়া জবাব কংগ্রেসকে। তিনি বলছেন 370 ধারা ফের ফেরাতে চায় কংগ্রেস। 370 ধারা ফেরা মানে কাশ্মীরে যারা হিন্দু যারা বিতাড়িত হয়েছিলেন তাদেরকে ফের একবার ঘরছাড়া কি করতে চায় কংগ্রেস।